थोड़ा आगे चलो, थोड़ी गाड़ी थोड़ी समोर गया हो, थोड़ा 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 जंपा जंपा ढूंढ लेगा इंकलाब के नारों से साथी आवाज को कई दिनों से मुस्लिम समाज बांधव के ऊपर, दलित समाज बांधव के ऊपर, आदिवासी ओबीसी बांधवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार और ये शिंदे सरकार के जब से आया है, जब से यहाँ पे जुल्म बढ़ गया है, कई कत्ल खुलेआम हो रहे हैं। जो पुलिस संविधान की हिफाजत करने वाली पुलिस आज यहाँ ठिकानी या पुलिस कस्टडी में, कई हत्याएं हुई है और उस पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने ये अत्याचार के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी को रास्ते पे उतरने का ऐलान कर दिए थे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की ओर से यहाँ पे मोर्चा निकाला गया, बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमारे मुस्लिम बांधव वो मोर्चे में शामिल हुए थे। आज ये अत्याचार के खिलाफ हम आदरणीय कलेक्टर साहब को यहाँ निवेदन दिया है और हम आगे कोई समाज बांधे के ऊपर जब भी अन्याय होगा वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे यहाँ पे उतरी। सिर्फ जून माह में एक ही महीने में तकरीबन 9 मुसलमानों पर अलग अलग जगह पे हमले हुए हैं, उनकी मौतें हुई हैं, जिनमें कि 2 हमले पुलिस स्टेशन में, पुलिस हिरासत में 2 मौतें हुई है, जिसमें भीड़ के परली में जरीन खान है और जलगांव अमलनेर में एक अशफाक सलीम नाम के नौजवान है। इसी तरह अहमदनगर के अंदर भी एक मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद के नाम पे भड़काऊ भाषण किए गए और वहाँ के नौजवानों को कानून हाथ में लेने की ललकार सुरेश चौहान के जैसे जातिवादी फिरका परस्तों ने की और उसमें उस प्रक्षोभक भाषण का शिकार होकर कुछ हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने एक मुस्लिम नौजवान को बाहर ले जाके जंगल में उसका कत्ल कर दिया। इस तरह से 9 मुसलमानों की अलग अलग घटना में कत्ल करने के बावजूद 4 हमारे पिछड़े समाज के, बौद्ध मातंग समाज के और माइक्रो ओबीसी आदिवासियों पे हमले हुए, लेकिन फिर भी कोई सेक्युलर जमात, कोई भी सामाजिक तंजीम, कोई भी नेता इसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अगर विदेश में कोई बेहरमती होती है तो नांदेड़ की सड़कों पर उतरते थे हम। अगर उत्तराखंड झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है तो हर जिला कचहरी पे, तहसील पे उतर कर अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टियाँ लीडरान नदारद हो चुके हैं, कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसे वक्त में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने आवाज़ बुलंद की है और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिला कमेटियों को हुक्म दिया है कि जुल्म चाहे किसी के भी ऊपर हो, उसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की है और उस लिहाज से आज नांदेड़ के अंदर बाद नमाज जुमा को एक एहतजाज बुलंद किया गया। बाबा साहब के पुतले से कलेक्टर ऑफिस तक एक शानदार अजीमोशान मोर्चा निकाल कर हमने यहाँ पर पुलिस को और सरकार को ललकारने का काम किया है कि अगर संसद आवारा होगी तो हम सड़कें आबाद करेंगे, अगर सरकार और प्रशासन जातिवादी होगा तो उनको सबक सिखाने के लिए हम रास्तों पे उतरेंगे। ये ऐलान आज हमने किया है। अगर वक्त पर फिरका परस्तों के खिलाफ अगर सरकारें कंट्रोल नहीं करती है, पुलिस अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलकर संविधान के हिसाब से सबके साथ बराबरी का सुलूक नहीं करती है, अगर जरीन खान की जगह कोई कुलकर्णी होता, उसकी जगह अगर कोई पाटिल होता, उसकी जगह कोई जोशी होता, तो क्या पुलिस उनकी लॉकअप में हत्या करती, क्या पुलिस उनको मारती? ये गैर बराबरी की सोच पुलिस में नहीं होनी चाहिए। और इस मुल्क के अकलियती मुसलमान हो, पिछड़े दलित समाज हो, पुलिस ने सबके साथ सम्मान का सुलूक करना चाहिए, ये मांग करने के लिए आज का एहतजाज था और ये एहतजाज नांदेड़ की पूरी जिला कमेटी के सभी फ्रंट ने मिलकर कामयाब किया और बड़ी तादाद में शरीक होकर मुस्लिम भाइयों ने एहतजाज में बता दिया कि अब हम दलित, पिछड़े और मजलूम तबकात के साथ ताकत से खड़े
खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद नांदेड़ की हर तरह की सामाजिक और सियासी सूरत को बदलने के लिए काफ़ी है।